हम तेल पे खुसरे नहीं बुलाते, हम मेहंदी पे ढोल वाले नहीं बुलाते, हम मेहंदी पर कंजरियां नहीं बुलाते नाचने के लिए। शादी शुरू होने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं। हर एंटी कुरान का काम करेंगे। फौजी बैंड बजेगा दूल्हे के आगे, उसके दोस्त बेशर्मों की तरह आधा घंटा नाचेंगे, जवान बच्चियां बारात पे फूल फेंकेंगी, अंदर डीजे बजेगा, मर्दों में औरतों में कोई पता नहीं होगा, देवर भाभी के घुटने पे बैठेगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी कुरान की, तमस्कुर होगा इस्लाम के साथ। और पता है एंड में फिर ये कौम क्या करती है, जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बरात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाता है। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा हमारे लिए, रब्बे करीम कैसे लोग हैं ये, तेल पे नहीं याद आया, खुशरे बुलाए, कंजरियां बुलाई, नाच हुआ, शराब पी गई, बारात पे हर वाया तीनों ने की, औरत मर्दों का इख्तलात था, डीजे बजे, गंदे गाने चले, दुल्हन रुखसत करने लगे तो मैं याद आ गया। ये हजरत जी ए सैलाब ते एवें टपो ना, ये महंगाई पे तेरा रोला ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं तानू जात दे के की लेना है, वो तो कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। कभी सैलाब की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा, पूछ खुद से। तेल के महंगा होने की वजह खुद से पूछ, महंगाई की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरा।